गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन का चैप्टर क्लास 9th में भी आता है और क्लास 11th में भी, ठीक है। ग्रेविटेशन को समझने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं कि ग्रेविटेशन कहाँ यूज होता है। ग्रेविटेशन कोई भी दो बॉडीज जिनके पास मास होगा उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, ठीक है। ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले किसने देखा, तो गैलीलियो वाज फर्स्ट जिसने क्या बताया कि कोई भी दो बॉडीज है, कोई भी बॉडी है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास, उसका कुछ भी मास होगा, अगर हम दो अलग अलग बॉडीज को नीचे गिराते हैं तो वे एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे गिरती है। ये किसने बताया हमको, गैलीलियो ने, ठीक है भाई। कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन उन्होंने जो वैल्यूज दी थी वो वैल्यू मोर एक्यूरेट थी जो बाद में हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये वैल्यू मोर एक्यूरेट थी। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, ठीक है भाई। वो साइंटिस्ट कौन थे, गैलीलियो। अच्छा भाई, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी इसके बारे में, जो प्लैनेट्स हैं इनके मोशन को स्टडी करने के लिए, बाय नेक डाइस। उनका नाम क्या था, टाइको ब्राहे, ठीक है भाई। इन्होंने पूरी लाइफ दे दी प्लैनेट्स की मोशन को स्टडी करने के लिए विद द नेक्ड आईज, और इनने जो डाटा बनाया, जो डाटा स्टडी किया, उसको किसने यूज किया, केपलर ने। केपलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके डाटा को स्टडी किया, उसको आगे लेके गए और तीन लॉज दिए जिनको हम बोलते हैं केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। Kepler's law of planetary motion, और ये कितने थे, तीन रूल थे जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। अच्छा भाई, इनके नाम भी हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम। और तीसरा क्या है, लॉ ऑफ पीरियड्स। इसमें इन्होंने क्या बताया था कि जो ऑर्बिट बनेगी प्लेनेटरी मोशन में, जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वो कैसा होगा, उसका ऑर्बिट के बारे में उसका स्ट्रक्चर बताया था। इसमें उन्होंने क्या बताया था कि एरिया इक्वल स्वीप आउट करेगा। अगर हम एक प्लेनेट लेते हैं, वो किसी के सन के आसपास है, कितना घूम रहा है, वो कितना एरिया कवर करेगा एग्जैक्ट टाइम के अंदर, पास है तो कितना करेगा, दूर है तो कितना करेगा, उसके बारे में बताया था। और ये क्या है कि टाइम और रेडियस के बीच में इन्होंने एक रिलेशन बताया, ठीक है भाई। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। केपलर ने ये तीन रूल दिए, न्यूटन ने क्या किया, केपलर के इस रूल को, इस लॉज को फॉलो किया और अपना रूल दे दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है भाई, ये सारी चीजें थी। इससे पहले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था भाई, देखो, एक सेकेंड, हाँ भाई, इस साइंटिस्ट का नाम क्या था, टोलमी। ये क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे, एक एस्ट्रोलॉजर थे। एस्ट्रोनॉमर भी बोल सकते हो, ये भी थे। इन्होंने क्या बोला
इन्होंने एक थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम क्या था? जियोसेंट्रिक थ्योरी। अच्छा, अब इसमें जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। तो सेंट्रिक का मतलब अर्थ एट सेंटर। उन्होंने क्या बोला कि जो यूनिवर्स में और प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सैटेलाइट है, वो सारे कहाँ घूम रहे हैं? अर्थ के चारों तरफ। उन्होंने अर्थ को अपना सेंटर माना और बाकी सारे प्लैनेट्स इसके चारों तरफ घूम रहे थे, और ये थ्योरी बहुत चली। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? कोपरनिकस। उन्होंने क्या किया, इस थ्योरी को चैलेंज किया। उन्होंने बोला कि अर्थ सेंटर पे नहीं होती है, सेंटर पे कौन होता है? सन, और बाकी सारे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो इसके चारों तरफ घूमते हैं। और इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया? हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियो सेंट्रिक थ्योरी। हीलियो का मतलब क्या होता है? सन, और सेंट्रिक सन एट सेंटर। ठीक है भाई, ये इन्होंने बताया, ये था इसका इंट्रोडक्शन। हमने पढ़ा कि केपलर ने प्लैनेट्स के बारे में तीन रूल दिए, इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। पहले हम फर्स्ट रूल के बारे में पढ़ेंगे। आप इसको रोक के वीडियो को पॉज करके या स्लो करके नोट्स भी बना सकते हो। केपलर फर्स्ट लॉ प्लेनेटरी मोशन। फर्स्ट रूल में उन्होंने क्या बोला कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में, इस पाथ की फॉर्म में रिवॉल्व करते हैं। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल पाथ। ये देखो, ये ऑर्बिट बना रहा है, जिसमें घूमते हैं उसको ऑर्बिट बोलते हैं, इसीलिए फर्स्ट रूल को क्या नाम दिया गया? लॉ ऑफ ऑर्बिट। इलिप्टिकल पाथ में फॉलो करेगा एंड सन इज प्रेजेंट एट वन ऑफ द टू फोकाई ऑफ द इलिप्स। अब देखो, ये इलिप्स क्या होता है? इस तरह की शेप, और इसमें दो फोकस होते हैं, एक फोकस यहां पे, एक फोकस यहां पे। तो सन या तो यहां होगा या यहां होगा। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं अभी, हम कैसे बना सकते हैं। इसके लिए देखो, एक सेटअप बनाया है। ये देखो भाई, ये हमारे पास एक कार्डबोर्ड है। हमने क्या किया, इस पे दो स्क्रूज या दो कील, दो नेल हमने इस पे लगा दिए। अब देखो, ये दोनों एक ही लाइन में है। अगर हम इसको ऐसा करते हैं, टाइट करके रखते हैं, और इस पेंसिल से हम मार्किंग करते हैं, देखो इसको टाइट किया, अब जो शेप बनी है, ये शेप और ये शेप एक जैसी है। अब इन्होंने क्या बोला कि सन इज प्रेजेंट एट वन, या तो सन यहां पे होगा या यहां पे होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। और इनको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। एक से ज्यादा फोकस है तो इसको प्लूरल नाम दे दिया, फोकाई। तो सन इनमें से कहीं भी एक जगह पे होगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। सन इज प्रेजेंट एट वन ऑफ द टू फोकाई, और ये क्या करता है? ऑर्बिट बनाता है, इसलिए इसको नाम दिया लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, सेकंड रूल क्या बोलता है?
सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर सन यहां पे प्रेजेंट है मान लिया एस पे, और एक प्लेनेट है जो यहां से यहां तक कवर करता है एरिया, और यही प्लेनेट जब यहां से यहां का एरिया कवर करता है तो वो बराबर टाइम लेता है। अगर यहां से यहां तक अगर एक प्लेनेट कुछ टाइम ले रहा है तो उसने इतना एरिया कवर किया, उतने ही टाइम में ये प्लेनेट इतना एरिया कवर करेगा, और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। ठीक है भाई, इसीलिए ये क्या कर रहा है, एरिया कवर कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया या फिर एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर। अब देखो ये क्या है, सन, सन के पास जो ये एक्सिस है इसको क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, और ये क्या है, माइनर एक्सिस। ये जो पॉइंट आएगा बीच का इसको हमने ओ नाम दिया, तो ये ओ क्या है, सेंटर ऑफ द इलिप्स, ओ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इलिप्स। ठीक है भाई, और यहां से लेके यहां तक का मान लिया इसको हमने नाम दिया ए, सॉरी इसको हमने नाम दे दिया पी, और इसको हमने नाम दे दिया ए। तो पी से लेके ओ तक का डिस्टेंस, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस। ये पूरा क्या है, मेजर एक्सिस, लेकिन ये आधे पे आ गया, सेंटर पे आ गया, तो इसको सेमी मेजर एक्सिस बोलेंगे, और जो ये ऊपर वाला है इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस, यहां से लेके यहां तक का सेमी माइनर, ऊपर वाला भी सेमी माइनर। अच्छा भाई, जो हमने ये पॉइंट पी लिया है ये कहाँ है, सन के पास है। जो पॉइंट सन के पास होगा प्लेनेट, जब प्लेनेट इस पी पॉइंट पे है और ये बिल्कुल सन के सबसे पास है, ये वाला पॉइंट अगर ऊपर गए तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो सन के जो बिल्कुल पास होता है उसको बोलते हैं पेरिहेलियन। ठीक है भाई, और जो सबसे दूर होता है उसको बोलते हैं अपहेलियन। ये याद कर लो, चाहे हिंदी में इंग्लिश में जैसे आप नोट करना चाहो वैसे नोट कर लो, सन के जो बिल्कुल पास पॉइंट होगा उसके ऑर्बिट में उसको बोलेंगे पेरिहेलियन, जो सबसे दूर होगा उसको बोलेंगे अपहेलियन, नियरेस्ट पॉइंट, और ये क्या है, फार्देस्ट पॉइंट, सबसे दूर का पॉइंट। ठीक है भाई, अब देखो इसमें क्या है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, जब ये प्लेनेट यहां से यहां गया तब ये क्या है, पी के पास है, तो हमने बोला वी पी आर पी, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है एम, ये मास क्या है, इस प्लेनेट का मास होगा। अब जब दूर गया तब ये ए के पास है, तो एम वी ए आर ए, अब ये कंजर्व है तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, वी पी आर पी इज इक्वल्स टू वी ए आर ए। ये वी क्या है, ये वी है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी किसकी, प्लेनेट की, लीनियर वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट नियर अपहेलियन, ये अपहेलियन और ये पेरिहेलियन। ठीक है, और ये आर क्या है, डिस्टेंस सन से। ठीक है भाई, अब यहां से हमने क्या किया, इस इक्वेशन को वी वाली चीजें एक साइड रखी, आर वाली एक साइड, वी पी बाय वी ए इज इक्वल्स टू आर ए बाय आर पी। इसका यूज हम कहां करेंगे, क्वेश्चंस के अंदर करेंगे। ठीक है, जो न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा उसके अंदर यूज करेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एरिया स्वीप आउट कर रहे हैं, एक सेकंड ये देखो भाई, यहां से ये क्लियर है कि ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ज्यादा है यहां से यहां तक का, मींस आर ए इज ग्रेटर देन आर पी। अगर आर ए ज्यादा है आर पी से तो ये उल्टा हो जाएगा, वी एट पी इज ग्रेटर देन वी एट ए। अब ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी एट पेरिहेलियन
इज ग्रेटर देन लीनियर वेलोसिटी एट अफेलियन, मतलब सन के पास प्लेनेट की लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी और सन से दूर जब दूर देखेंगे तो प्लेनेट की वेलोसिटी कम होगी, लेकिन इक्वल टाइम में ये दोनों क्या करेंगे, इक्वल एरिया कवर करेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आता है थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल ये कहता है कि जितना टाइम पीरियड लेता है एक प्लेनेट किसी के चारों तरफ चक्कर लगाने में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, दैट इज के आर क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला है और इस के की वैल्यू क्या होती है, 4π² / gm। हियर जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये एम क्या है, मास ऑफ सन। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अब ये तीनों रूल किसने दिए, केपलर ने। अब जो न्यूटन था उसने इन तीनों रूल को ऑब्जर्व किया, इसको आगे लेके गए और अपना जो फेमस रूल है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज F is equals to G m1 m2 by r square, ये दिया। ये G की एक वैल्यू होती है tau theta something, ये आपको बुक में इजीली मिल जाएगा। ये क्या था, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, किसने किया था, न्यूटन ने। लैब के अंदर G की वैल्यू निकाल के दिखाई थी और वो कितनी आई थी, 6.67 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये किस में था, एसआई सिस्टम में। अब जी की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में क्या होगी, ये आप लोग कमेंट करके बताओगे कि सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, अच्छा ये तो हो गया केपलर्स रूल। अब हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं, केपलर्स थर्ड रूल के ऊपर बेस्ड। ठीक है भाई, पहले मैं इसको रब करके यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ, फिर हम सॉल्व करेंगे। देखो भाई, ये हमारा क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर, जुपिटर प्लेनेट का टाइम पीरियड कितना है, 11.6 ईयर। तो हमने लिख दिया टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर आंसर के अंदर, जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें गिवन क्या है, टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर इज 11.6 इयर्स। हाउ फार इज द जुपिटर, मतलब हमसे आर जे की वैल्यू पूछी गई है, फ्रॉम द सन, सन से कितना दूर होगा। इफ आर ई डिस्टेंस ऑफ अर्थ इज 1.5 × 10⁻¹⁰ मीटर, क्या हमें टाइम पीरियड ऑफ अर्थ गिवन है, तो आंसर है ये हमें पता है कि सन के चारों तरफ अर्थ कितने टाइम में एक सर्कल पूरा करती है, तो आंसर है एक साल के अंदर। ये जो 11.6 इयर्स हैं, ये अर्थ के कंपैरिजन में है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है के। अच्छा भाई, अगर ये जुपिटर के लिए है तो टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर इज के आर जे बाय आर क्यूब, सॉरी के आर जे क्यूब। अगर यही चीज हम किसके लिए निकालते हैं, अर्थ के लिए, तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू के आर ई का क्यूब, इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड कर दो, तो राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करोगे। अब देखो के से के कैंसिल, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर जे, और आर जे यहाँ पे है तो इसको एक साइड रखो, आर जे क्यूब इज इक्वल्स टू आर ई क्यूब मल्टीप्लाइड टी जे बाय टी ई का होल स्क्वायर। ये अब देखो, यहां से हम क्या करेंगे, आर ई की वैल्यू हमको गिवन है 1.5,
अगेन देखो हमें तो सिर्फ आरजे की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे क्यू है, तो आरजे के लिए हम क्या करते हैं क्यूब रूट निकाल देते हैं, इसकी पावर 3 से क्यूब रूट कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया आरजे, इसका क्यूब रूट करेंगे तो इसकी पावर भी 3 है और ये क्यूब रूट, तो ये कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा आर ई, ये मल्टीप्लाई में टी जे बाई टी ई, इसकी पावर 3/2, ठीक है भाई, क्योंकि इसका स्केयर है, स्केयर ही है ना, हाँ देखो इसका क्यूब रूट करेंगे तो 2/3, आर ई की वैल्यू हमको गिवन है ये रही, टी जे की वैल्यू हमें गिवन है 11.6, टी ई की वैल्यू हमने पता है 1, अब एक इक्वेशन है, एक ही अननोन है, तो जब इसको फाइंड आउट करते हैं, सोल्व करते हैं, तो आर जे की वैल्यू आ जाती है 7.68 इंटू 10^11 मीटर, जो कैलकुलेशन पार्ट है भाई वो आप लोग खुद करोगे, ठीक है, ये देखो अब इसका सेकंड क्वेश्चन इसी बेस पे हम और करते हैं, लिखता हूं फिर आप देखना, ये देखो बी क्वेश्चन में क्या गिवन है, द डिस्टेंस ऑफ द जुपिटर फ्रॉम सन इज 5.2 टाइम्स ऑफ अर्थ, अब हमने मान लिया कि अर्थ का डिस्टेंस कितना है, अगर हमने अर्थ का डिस्टेंस आर माना है तो जुपिटर का डिस्टेंस कितना होगा, अर्थ के डिस्टेंस को हम आर ई लिखेंगे, तो आर जे क्या हो जाएगा 5.2 टाइम्स ऑफ आर ई, ठीक है भाई, ये हमारा आ गया, फाइंड द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ जुपिटर अराउंड सन, तो सन के अराउंड अर्थ का टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर, और हमसे पूछा गया है कि टी जे कितना होगा, जो पहला क्वेश्चन किया था एज इट इज टी जे स्क्वेयर इज इक्वल टू के टी सॉरी आर जे क्यूब, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू टी ई क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू के आर ई क्यूब, दो डिवाइड कर दो इक्वेशन वन को टू से, के से के कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया टी जे स्क्वायर इज इक्वल टू टी ई को यहां लेके जाओगे तो टी ई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर जे क्यूब डिवाइड बाय आर ई क्यूब, दोनों का क्यूब है तो हमने अकेला क्यूब बाहर लिख दिया, अब देखो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1, आर जे कितना है 5.2 टाइम्स ऑफ आर ई, आर ई और नीचे क्या है आर ई, इस आर ई से आर ई कैंसिल और बाहर क्या बच गया इसका क्यूब, मतलब 5.2 मल्टीप्लाइड 5.2 कितना आ गया 104 10 26 27.04, और इसको एक बार फिर 5.2 से मल्टीप्लाई कर दो 08 4 5 20 35 13 8 0 6 0 4 1 2 और 1 3 के बाद 140.608 140.608 ये क्या आ गया टी जे का स्क्वायर, बट हमसे सिर्फ पूछा गया है कि टी जे की वैल्यू क्या होगी, अब देखो इसका स्क्वायर रूट निकालना है 140.608 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, आप निकाल सकते हो इजी है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, अब देखो ये 121 से तो ज्यादा है 144 से कम है, मींस 11 से तो ज्यादा आएगा 12 से कम आएगा, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 11.86 इयर्स, ये पिछले क्वेश्चन में हमको गिवन था कि जुपिटर का टाइम पीरियड कितना है 11.86 ईयर, हमने वैसे सीधा लिख दिया, जब इसको सोल्व करोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको रब करके लिखता हूं, देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास दो सैटेलाइट्स हैं, टू सैटेलाइट्स ऑफ ए प्लेनेट, कोई भी एक प्लेनेट है, मान लिया जैसे ये हमारे पास अर्थ है, इसका सिर्फ एक ही सैटेलाइट है मून, ऐसा कोई प्लेनेट जिसके दो सैटेलाइट हो वो हमारे पास है, और एक का टाइम पीरियड कितना है 32 डेज, और यहां पे कोई दूसरा है जिसका टाइम पीरियड है 256 डेज, ठीक है भाई,
पहले वाले का जो डिस्टेंस है वो गिवन है कितना आर, आपसे पूछा गया है कि जो दूसरा प्लेनेट है उसका डिस्टेंस कितना होगा। इसमें आपको क्या गिवन है, फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, और जो बाद में आ रहा है लेटर ये क्या है, बाद में, बाद वाला। ठीक है भाई, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। पहले वाले को हमने वन बोल दिया, फॉर्मर वाले को टी वन इज इक्वल टू के आर वन क्यूब, सेकेंड वाले को हमने बोल दिया टी स्क्वायर, टी टू का स्क्वायर इज इक्वल टू के आर टू का क्यूब। अब हमें क्या गिवन है, टी वन और टी टू गिवन है। टी वन कितना है, 32 days, डिवाइड बाय टी टू कितना है, 256 days, और इनका स्क्वायर इज इक्वल टू के से के कैंसिल। आर वन कितना है, आर वन को तो हमने आर मान रखा है, तो आर का क्यूब, इसको हमने मान लिया आर डैश और इसका क्यूब। एक इक्वेशन है, एक अननोन है, तो हम निकाल सकते हैं। यहां से देखो, चार से डिवाइड करेंगे, आठ से कर दिया, 8 चौक 32, 8 3 24, 8 9 16, 4 1 4, 4 8 32, मतलब 1/8, और इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर बाहर है तो 1/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब डिवाइड बाय आर डैश का क्यूब। हमें आर डैश की वैल्यू निकालनी है, तो इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 8 स्क्वायर आर क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हैं, 8 के स्क्वायर को 64 लिख सकते हैं, आर क्यूब बराबर है आर डैश क्यूब। क्या किया हमने, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है। अब देखो, इसकी पावर 3 है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका भी क्यूब रूट निकालेंगे, पावर 3 से पावर 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया, आर डैश। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब मल्टीप्लाई आर क्यूब, और इसका क्यूब रूट, तो इस पावर से ये भी और ये भी कैंसिल, आर डैश कितना आ गया, 4 आर, ये हमारा आंसर आ गया। देखो, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को एज ए स्टोरी पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए आप कोई मूवी देखने गए हो, तो आपको उसकी मूवी की स्टोरी याद रहती है, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो उसको एज ए स्टोरी पढ़ो, ना कि एज ए सब्जेक्ट। अगर आप एज ए स्टोरी पढ़ोगे तो आपको वो चीज अच्छे से याद होगी और पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है भाई, ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशन, ये तो हमने कैपलर स्लो किया था, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन होता क्या है, बेसिकली चैप्टर का नाम ही ग्रेविटेशन है, तो हमें पता तो होना चाहिए कि ग्रेविटेशन होता क्या है। तो ग्रेविटेशन क्या है, इज ए फोर्स, और ये फोर्स किसके बीच में लगता है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास। कोई भी दो ऑब्जेक्ट, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, अगर उनके पास मास होगा तो उनके बीच में ये फोर्स लगेगा, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स को जहां स्टडी करते हैं उसको हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। और इस फोर्स का फॉर्मूला किसने दिया, न्यूटन ने, इसलिए इसका नाम क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और एफ जी ये क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस। जो दो ऑब्जेक्ट गिवन है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, पहले ऑब्जेक्ट का मास एम वन है, दूसरे का एम टू है, तो जो ये फोर्स होगा ये इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसको हमने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। और जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम है प्रोडक्ट रूल। ये तो टॉपिक है, ये आपका क्लास 9th में भी काम आएगा, क्लास 11th में भी काम आएगा, एफ जी। अब देखो, एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये एम वन है, ये एम टू है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी होगा, हमने मान लिया आर, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
अब इन्वर्सली आ गया तो इसको हमने नाम दे दिया इन्वर्स स्क्वायर लॉ। जहां पे भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखती है जहां पे इन्वर्स है, वन अपॉन करके कुछ है उसका स्क्वायर है, उसका नाम क्या होता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। हमने क्या किया, इक्वेशन वन और टू को कंबाइन कर दिया, कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, हमें क्या मिलता है, एफ जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। अब ये क्या है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको हटाने के लिए हमें कॉन्स्टेंट लगाते हैं एंड दैट कॉन्स्टेंट इज जी, एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसका, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। और जो ये जी है, दिस जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। और इस जी की वैल्यू मैंने अभी लिखी थी 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन। इसको ऊपर लेके जाओगे मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जब भी कोई नई क्वांटिटी बनती है तो उसकी यूनिट और डायमेंशन हमें लिखनी होती है। यूनिट तो ये आ गई, इसकी डायमेंशन क्या होगी, ये डायमेंशन आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है भाई, अब ये फॉर्मूला हम बहुत यूज करेंगे। इसी फॉर्मूले का यूज करके जो क्लास 12th में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये रूल क्या है, ये बेस है इसका कूलम फोर्स का। ये आगे पढ़ोगे इसको, यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ये ग्रेविटेशन आ गया। इसके बाद क्या आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी, लेकिन ये हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। ठीक है भाई, यहां तक अभी इतना बहुत है। थैंक यू।